26 जनवरी यानी कि हमारा रिपब्लिक डे आने ही वाला है, और हर साल आप 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ पर आयोजित परेड को दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 26 जनवरी की परेड के आयोजन की जिम्मेवारी किसकी है एवं इसकी योजना में कितना खर्च होता है? भारत में 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन सन 1950 में हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। इस दिन लगभग 2 लाख लोग गणतंत्र दिवस की परेड को देखने आते हैं। परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दिए जाने की प्रथा है। क्या आप जानते हैं कि 21 तोपों की यह सलामी 21 बंदूकों से नहीं बल्कि भारतीय सेना की 7 तोपों से दी जाती है जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है। राष्ट्रगान शुरू होते ही पहली सलामी दी जाती है और ठीक 52 सेकेंड बाद आखिरी सलामी दी जाती है। परेड से कुछ दिन पहले ही इंडिया गेट और आसपास के क्षेत्र को एक अभेद किले में बदल दिया जाता है। परेड को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए सेना के हजारों जवानों के अलावा कई अन्य लोग भी सक्रिय रूप से जुटे रहते हैं। परेड के आयोजन की औपचारिक जिम्मेवारी रक्षा मंत्रालय की होती है जिसमें कम से कम 70 विभिन्न संगठन उसकी मदद करते हैं। हम सभी को पता है कि हर वर्ष 26 जनवरी की परेड का आयोजन नई दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1950 से लेकर 1954 ईस्वी तक परेड का आयोजन स्थल राजपथ नहीं था। इन वर्षों के दौरान 26 जनवरी की परेड का आयोजन क्रमशः इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, और किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया गया था। 1955 ईस्वी से राजपथ 26 जनवरी की परेड का स्थायी आयोजन स्थल बन गया। उस समय राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासक को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। 26 जनवरी की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षकों के द्वारा तिरंगे को सलामी दी जाती है। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में वहां 21 तोपों द्वारा फायरिंग नहीं की जाती बल्कि भारतीय सेना की 7 तोपों जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है के द्वारा 3-3 राउंड की फायरिंग की जाती है। रोचक बात यह है कि तोप द्वारा की जाने वाली फायरिंग का समय राष्ट्रगान के समय से मेल खाता है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान की शुरुआत के समय की जाती है जबकि अंतिम फायरिंग ठीक 52 सेकंड के बाद की जाती है। इन तोपों को 1941 में बनाया गया था और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इसे शामिल किया जाता है। परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल सुबह 2 बजे ही तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन परेड की तैयारी पिछले साल जुलाई में ही शुरू हो जाती है जब सभी दलों को परेड में भाग लेने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अगस्त तक वे अपने संबंधित रेजिमेंटों केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी की परेड में औपचारिक रूप से भाग लेने से पहले तक विभिन्न दल लगभग 600 घंटों तक अभ्यास कर चुके होते हैं। परेड में शामिल होने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तथा भारत की सामरिक शक्ति को प्रदर्शित करने वाले अत्याधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट परिसर के भीतर एक विशेष शिविर बनाया जाता है। प्रत्येक हथियार की जांच एवं रंग रोगन का कार्य 10 चरणों में किया जाता है। 26 जनवरी की परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरे परेड के रास्तों पर जजों को बिठाया जाता है जो प्रत्येक दल पर 200 मापदंडों के आधार पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल को पुरस्कृत किया जाता है। 26 जनवरी की परेड की शुरुआत से लेकर अंत तक हर गतिविधि सुनियोजित होती है, अतः परेड के दौरान छोटी से छोटी गलती या कुछ ही मिनटों के विलंब के कारण भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
परेड में भाग लेने वाले प्रत्येक सैन्य कर्मी को 4 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके द्वारा लाए गए हथियारों की गहन जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके हथियारों में जिंदा कारतूस तो नहीं है। परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं ताकि गणमान्य व्यक्ति इसे अच्छे से देख सके। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से वाहनों को चलाते हैं। परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पास्ट होता है। इस फ्लाई पास्ट की जिम्मेवारी पश्चिमी वायुसेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले विभिन्न विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और तय समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड में गीत मेरे पास रहे निश्चित रूप से बजाया जाता है, क्योंकि यह महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान स्वदेश में निर्मित इंसास राइफल लेकर चलते हैं, जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इजराइल में निर्मित तवोर राइफल लेकर चलते हैं। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में 26 जनवरी की परेड के आयोजन में लगभग 320 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2001 में यह खर्च लगभग 145 करोड़ था। इस प्रकार 2001 से लेकर 2014 के दौरान 26 जनवरी की परेड के आयोजन में होने वाले खर्च में लगभग 54.51% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, ये थे 26 जनवरी की परेड से संबंधित कुछ रोचक तथ्य जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि गणतंत्र दिवस के बारे में ये रोचक तथ्य आपको पसंद आए होंगे, और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।